करनाल जिला प्रशासन की ओर से शहर में विभिन्न स्थानों पर रेड लाइट लगाई गई हैं ताकि शहर में आने जाने वाले लोग सड़क दुर्घटनाओं से बच सके। ट्रैफिक इंचार्ज SHO रमेश कुमार ने बताया कि जो लोग रेड लाइट क्रॉस करते हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये रेड लाइट शहर के लोगों की सुविधा के लिए लगाई गई है ताकि लोग शहर में होने वाले जाम से बच सके। उन्होंने कहा कि रेड लाइट के चालान 5,000 रुपये तक हैं, इसलिए लोगों से आह्वान किया जाता है कि वह रेड लाइट को क्रॉस ना करें, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा लोगों की सहायता के लिए ही रेड लाइट लगाई गई है। यहां हम आपको बता दें कि शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रेड लाइट लगाई जा रही है, इसके बावजूद भी लोग रेड लाइट क्रॉस करने से मान नहीं रहे, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर भर में चालान काटने का अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हो सकें। ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों से आह्वान किया कि ये सुविधा आम आदमी के लिए है ताकि भीड़ भाड़ से लोगों को निजात दिलाई जा सके। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अन्य सुविधाएं भी शहर में दी जा रही हैं और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू की जा रही है। जैसे कि हमारे स्मार्ट सिटी करनाल में रेड लाइटें नहीं लगाई गई हैं प्रशासन की तरफ से, उसको रूल को फॉलो करने के लिए आज हमें जो रेड लाइट जंपिंग कर रहे हैं उनको अगवा करने के लिए, उनको मतलब ये बताने के लिए, पर रेड लाइट जंप करना उसका जुर्माना है, इसलिए आप रेड लाइट ना हो। इसलिए मैंने ना रेड लाइट जंपिंग जो आदमी करता है उसके चलान किए जा रहे हैं। कितना चलान है रेड लाइट जंपिंग का? रेड लाइट जंपिंग का 5,000 रुपये चलान है उसका, और 5,000 रुपये आपने भरने पड़ेंगे अगर रेड लाइट जंपिंग हो। आम जनता को क्या कहेंगे? आम जनता को ये कहेंगे भाई जो हमारे जिला करनाल प्रशासन ने रेड लाइटें लगाई हैं वो एक्सीडेंट से बचने के लिए, आपकी सुविधा के लिए लगाई गई हैं। जहाँ रेड लाइट हो तो वहाँ है ना आप रुके, 2 मिनट के बाद अपने उसके बाद अपने कार्य को चलें। आप येलो पर अपनी गाड़ी को अपना स्लो कर दें, वहीं रोक लें। जब ग्रीन आपकी बत्ती हो जाती है तो उस टाइम पर आप है ना वहाँ से चलें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।